Good morning, students. In our last class, we have started chapter 2, rupees. Now, the author of this chapter is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Okay? Jinko Narayana, Narayan short bolte. Now, आई एक्सप्लेन यू उनके कुछ वो अधिकतर जो है वो फिक्शनल साउथ इंडियन स्टोरीज लिखते हैं. ठीक है. नाउ हिज फेमस क्रिएशन और स्टोरी वॉज द मालगुडी डेज. अगेन मालगुडी कोई भी जगह नहीं, इट इज़ फिक्शनल. ओके, सो वी हैव रेड द हाफ चैप्टर. एज आई वंस अगेन आई जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ग्लिम्प ऑफ द चैप्टर. चैप्टर में मेन कैरेक्टर है रंगा. He was a person who had no fixed job. He did odd jobs. Wo odd job karta tha. Odd means he can do any kind of job to earn money. And one day he met a servant of a bungalow. Theek hai. And why was this man searching someone to do his job was because इनके जो मास्टर एंड मिस्ट्रेस थे उनके घर के कुएं का एक ब्रास पॉट जो है वो वेसल कुएं में गिर गया था. राइट. एंड रंगा ऑन एन इंस्टेंट, क्योंकि उसे जॉब मिल काम मिल रहा था और अच्छे पैसे मिल रहे थे, ही जस्ट सेड यस. एंड उनके घर जाता है, डिस्कशन होता है. एंड डिस्कशन में वो लेडी जो है उन्हें बताती है कि वो एक ऐसा ब्रास वेसल था जो उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर को एक वेडिंग में मिली थी और वो फोर जनरेशन से वो ब्रास वेसल जो है उनके घर में था. नाउ बोथ मास्टर एंड मिस्ट्रेस, आई होप इफ यू रिमेंबर, बोथ मास्टर एंड मिस्ट्रेस जो हैं वो रंगा के सामने अपने सर्वेंट को जो है डांटते हैं. एंड टू हिज सरप्राइज रंगा वॉज प्लीडेड. वो बहुत ही खुश होता है जब सर्वेंट को डांट पड़ती है एंड फटाफट से बिना उस कुएं को देख के वो तैयार हो जाता है. नाउ ऑन फ्राइडे वी हैव रेड द चैप्टर टिल दिस लाइन. मास्टर एंड मिस्ट्रेस टुगेदर नॉडेड, दैट इज राइट. मैंने यहाँ तक पढ़ाया था. नाउ टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग आवर स्टोरी. सो वंस अगेन ओपन पेज नंबर 17. The servant and Ranga lifted the cover of the well. As Ranga peeped inside, his heart sank at the darkness of the great tunnel beyond which a patch of water gleamed. Now वो deep, मतलब servant and Ranga दोनों ने ही उस कुएं का जो है cover हटाया. You know, usually what happens कि कुएं को जब हम खुला छोड़ते हैं तो पत्ते जो हैं और waste जो है कभी गिर जाते हैं, इसलिए यूजुअली पीपल इसे कवर करके रखते हैं. जैसे ही इसका कवर हटाते हैं और ये इतना गहरा होता है कि उसका दिल बैठ जाता है रंगा का, क्योंकि इतना गहरा है, उसमें डार्कनेस ही था, अंधेरा ही अंधेरा था और बहुत दूर कहीं जाके उसे थोड़ा सा पानी जो है वो चमकता दिखाई देता है. सीम्स टू बी वेरी डीप वेल, रंगा वरिड. ओनली 60 feet, द सर्वेंट रिप्लाइड स्नॉरफुली. नाउ रंगा जो है वो वैसे ही बिल्कुल एक ही परेशान था, तो कहता है कि शायद बहुत गहरा है. तो जिसपे कि जो सर्वेंट है वो रिप्लाई करता है कि हाँ 60 feet है, 60 feet गहरा एक कुआं था ये. प्लानिंग एन एक्सक्यूज रंगा रिप्लाइड, वी डोंट यूजली गो इन टू द वेल डीपर दैन 40. नाउ वेन ही हर्ड 60 feet, रंगा रियली डिन वॉन्ट टू डू दिस वर्क. उसे बिल्कुल ही नहीं चाहिए था कि वो ये काम करे. एंड वो एक एक्सक्यूज़ प्लान कर रहा था. ठीक है. उस एक्सक्यूज़ में वो ये कहता है कि हम लोग 40 feet से ज़्यादा नीचे नहीं जाते. If you want 8 annas or so more, we are not going to grudge it. But we want our brass pot out of the vessel, said the master. So जब वो ऐसी complain करता है, जो master है वो कहता है कि अगर तुम्हें 8 annas कमाने हैं, anna is a kind of जैसे हम कहते हैं चवन्नी. ठीक है, ये बहुत पुराने time की story है. तो 8 annas अगर तुम्हें कमाने हैं तो यू वी आर नॉट गोइंग टू ग्रज. ग्रज का मतलब होता है वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्लेन, हम किसी भी चीज़ के लिए कम्प्लेन नहीं करेंगे. तो वॉट मास्टर वॉन्टेड रंगा टू फील इज़ कि जब भी अगर हमें कोई काम करना है
या अगर हमें मनी अर्न करना है, वी कैन नॉट कंप्लेन एनीथिंग. ओके. रंगा थॉट टू हिमसेल्फ, वेल आई हैव नेवर अर्न सो मच इन वन शॉट. आई नीड not work for 3 days, and that wife and mother-in-law of mine who are really troublesome can be silenced for once. But how deep the well looks and how scary, wish I were miles away. So अब वो उसके दिमाग में यही बात सुन के he thought कि why not कि मैं ये काम कर दूँ, क्योंकि मैंने एक शॉट मतलब एक बारी में काम करके इतने पैसे कभी नहीं कमाए हैं, और अगर मैं ये पैसे कमा लेता हूँ तो मुझे 3 days के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे आने वाले 3 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, और जो मेरी बीवी और मेरी सास है, मदर इन लॉ सास, वो दोनों जो मेरे को हमेशा परेशान करते हैं, ठीक है, उनका मुँह बंद हो जाएगा. कैन बी साइलेंस्ड फॉर वंस का मतलब कि एक बार उनको जो पैसे कमा के दूंगा तो उनका मुंह बंद अपने आप हो जाएगा. हाउ बट हाउ डीप द वेल लुक्स एंड हाउ स्केरी आई विश आई वर माइल्स अवे. बट उस गहरे कुएं और उसके अंधेरे को देख के उसके मन में ये भी आता है कि काश मैं यहाँ से दूर होता. रंगा इंस्पेक्टेड द वेल एंड सेड, वेल आई मस्ट गो नाउ, आई विल कम बैक इन द इवनिंग. ना रंगा थोड़ी सी इंस्पेक्शन करता है कुएं के आसपास और कहता है कि मैं शाम को आऊँगा. The worried mistress asked, but why must you go now? Finish the work and you can leave. Then वो जो मालकिन होती है वो यही कहती है कि अभी क्यों जाना है, काम पूरा करो और फिर चले जाना. रंगा replied, I haven't eaten my lunch. So जिस पे कि वो reply करता है कि मैंने खाना नहीं खाया, तो this was the reason that Ranga wanted to go. Master laughed aloud. Oh, that's no problem at all. He returned to his servant and asked him to serve Ranga a hearty meal. Ranga enjoyed the feast as it had been a while that Ranga had enjoyed anything like that. He was even offered betel leaf and erica nut at the end of the meal. Now what happened ki jab wo complain karta hai ki maine khana nahi khaya, because the master wanted that the work should have been finished. So wo kya kehta hai ki koi baat nahi, wo apne servant ko kehta hai ki jao Ranga ke liye khana leke aao, aur khana khane ke baad unhe wo paan bhi deta hai. Betel leaf ka matlab hota hai paan. एरिका नट जो होता है वो छोटे नट्स होते हैं जो पान में लगाए जाते हैं. रंगा नाउ फेल्ट इरिवोकेबली कमिटेड टू द एक्सपीडिशन एंड आफ्टर एन आवर्स रेस्ट वे वॉक्ड इनटू बैटल. रिजाइंड टू हिज फेट ही टुक ऑफ हिज शर्ट एंड टक्ड इन हिज धोती. देन ही टोल्ड द सर्वेंट टू टाई द रोप टाइटली to the cross bars of the well and let the other end into the well. So एक घंटे rest करने के बाद, क्योंकि जब अब उसने खाना भी खाया है उनके घर, so he cannot say no, उसको वो काम करना ही पड़ता. खाना खा के एक घंटा rest करके वो तैयार होता है. Now how did he get ready? उसने अपनी shirt उतारी और अपनी धोती के साथ बांध ली कस के, और सर्वेंट से बोलता है इस रोप को जो रस्सी है उसे आप लोगों ने देखा होगा कुएं के ऊपर जो एक होता है एक बार होता है राइट, जिस पे वो रस्सी घूमती है, वो कहता है इस पे बांधो और एक रस्सी को फ्री एंड करके वेल में डाल दो. आई एम रेडी टू क्लाइम डाउन ही अनाउंस्ड. ही एन्चेंटेड द नेम ऑफ ऑल द डेटीज ही हैड नेवर हर्ड अबाउट इन हिज हार्ट and wondered how dark the place is. I cannot breathe at all. What if I were to die? Now वो सारे भगवानों का नाम ले लेता है. deities का मतलब होता है भगवान, ठीक है. वो अपने मन में जितने भी भगवान जिनको जानता था या नहीं भी जानता था सबके नाम ले लेता है, और कहता है कि क्या होगा उस अंधेरी जगह में अगर मैं सांस नहीं ले पाया, शायद मैं आज यहीं मर जाऊँ. Please inform my wife if I drown, he told his onlookers morosely. Now very sadly, morosely का मतलब very sadly, he said to his masters, जो आज के उनके onlookers हैं ना, onlookers का मतलब है जब कोई जिनका जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, कोई हमें देख रहा होता है, तो वो उनको कहता है कि मेरी बीवी को बता देना अगर मैं यहाँ मर
जाऊँ. हिज लास्ट विश वॉज ओनली रिस्पॉन्डेड टू अ लाफ्टर. नाउ जो उसकी विश थी, आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि उसकी बीवी को इन्फॉर्म करना उसकी आखिरी विश थी. अब उसकी जो लास्ट विश कुएं में जाने से पहले थी उसको हंसी में टाल दिया जाता है. यानी मिस्टर एंड मिस्ट्रेस और वो जो सर्वेंट होते हैं जो खड़े होकर देख रहे होते हैं वो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और हंसने लगते हैं. डोंट वरी यू विल बी फाइन बी केयरफुल कॉल्ड आउट द मास्टर. क्योंकि वो उसकी बात को हंसी में टालते हैं तो वो मास्टर उससे यही बोलता है कि परेशान मत हो तुम्हें कुछ नहीं होगा बस ध्यान रखना. आफ्टर गोइंग 30 feet Ranga was gripped with fear and he called out loud, let me up, I cannot go down any further. 30 feet के बाद उसे डर लगने लगता है बिकॉज 30 feet बहुत होता है जब कुएं में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे में उसे वो डर जो है पकड़ लेता है. नाउ ग्रिप का मतलब होता है टू होल्ड ऑन समथिंग. सी एज आई एम होल्डिंग अ पेन आई हैव ग्रिप्ड इट. बट उसके मन में वो जो है डर बैठ जाता है. कम ऑन यू कैन नॉट गिव अप नाउ मोटिवेटेड द मास्टर प्रॉमिसिंग हिम द 4 rupees. नाउ ही सेड कि डोंट गिव अप नाउ, आप अपना काम अभी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें 4 rupees कमाने. रंगा मर्मर टू हिमसेल्फ 4 rupees 4 rupees आई एम डाइंग और एम आई डेड. Well, I never see daylight again. 4 rupees, what a lot of money, but what use of it, use is it to me if I am dead? कहता है 4 rupees 4 rupees. अब ये अपने आप से ही बड़बड़ा रहा होता है रंगा कुएं के अंदर. मर्मर का मतलब होता है बड़बड़ाना. सी जब हमें गुस्सा आता है वी यूजली मर्मर टू आर सेल्फ ओनली. ठीक है, हम अपने आप से ही बड़बड़ाने लगते हैं. सो रंगा भी यही करता है, वो अपने आप से बड़बड़ाने लगता है और कहता है 4 rupees 4 rupees, ये 4 rupees मेरे काम कैसे आएंगे जब मैं मर जाऊँगा. एज रंगा रीच द वाटर ही मूव्ड हिज हैंड बट टू फील समथिंग अबाउट टू फील समथिंग इन द डार्कनेस एंड हिज हैंड मेड कॉन्टैक्ट विद अ पीस ऑफ रोप एंड ऑन ड्रैगिंग इट अप ही फाउंड द ब्रास पॉट अटैच टू इट. तो वो पानी पे पहुंच जाता है यानी 30 feet की दूरी वो तय करता है और पानी में हाथों को चलाता है ये और उसके हाथ में जो है वो रोप आती है जिस पे कि वो ब्रास पॉट अटैच यानी बंधा हुआ होता है. रंगा अनाउंस्ड ट्रम्पेंटली आई हैव गॉट इट आई एम कमिंग अप पुल मी अप आई हैव नो स्ट्रेंथ आई विल ड्राउन. सो क्योंकि 30 feet उतर के उसको इतनी ताकत नहीं होती कि वो खुद को पुल कर सके तो वो आवाज लगा के कहता है कि मुझे मिल गया है अब मुझे ऊपर खींचो. द मैन आउटसाइड द वेल पुल्ड ऑन रंगा विद ऑल हिज माइट एंड ही ले ऑन द ग्राउंड ट्राइंग टू ओवरकम बोथ द फटीग एंड द फियर. नाउ जो बाहर खड़े होते हैं यानी सर्वेंट जो होता है वो रंगा को बाहर खींच लेता है और बाहर आके वो लेट जाता है ज़मीन पर अपना फटीग यानी अपनी थकान और अपनी फियर यानी अपने डर को ओवरकम करने के लिए. नाउ व्हाट इज मेंट बाय ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है उससे उभरने के. द मास्टर थम्ड हिम ऑन हिज बैक. यू आर अ गुड फेलो, वी विल कॉल यू अगेन इफ एनीथिंग ड्रॉप इनटू द वेल. वेयर डू यू लिव. अब मास्टर जो है उसके काम से इतना खुश होता है उसकी पीठ थपथपाता और कहते हैं तुम बहुत अच्छे लोग, तुम बहुत अच्छे इंसान, अगली बार हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे अगर हमारी कोई चीज़ वेल में गिर जाए. कहाँ रहते हो तुम? Fearing the dark, the Ranga replied hesitatingly, give me my wages and let me go. अब वो अपना एड्रेस बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि बिकॉज रंगा नेवर वॉन्टेड टू गो टू दैट वेल अगेन. वो नहीं चाहता था कि दोबारा उसे उस कुएं में जाना पड़े. तो कहता है कि मेरे पैसे दे दो और मुझे यहाँ से जाने दो. द मास्टर हैंडेड हिम ओवर 4 rupees and 4 annas. रंगा वॉज शॉक्ड एंड प्लीडेड, यू प्रोमिस मी 4 rupees 12 annas. You didn't know how I risked my life to get the brass pot. Don't go back on your words. Now, master ne usse kitne rupay diye? 4 rupees and 4 annas diye. Right? To Ranga jo hai, wo gusse mein jo hai, unse kehta hai, aapne mujhe 4 rupees and 12 annas bole the. Ab apne vaade se mat mukro. Don't go back on your words ka matlab hai. Ab apne vaade se mukarna nahin. The august mistress lashed out at Ranga. How dare you argue? Is there no limit to
to your greed. After all, we have given you the food and everything. Now, जो मालकिन होती है वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हारे तो लालच का कोई अंत ही नहीं है, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया, हमने तुम्हें खाना दिया एंड एवरीथिंग. नाउ एवरीथिंग में उसे खाना दिया जाता है एंड उसे पान दिया जाता है. सो दिस इज़ द थिंग जो वो याद कराती है दोबारा से. Wearing and disappointed, Ranga walked back to his home. His wife and mother-in-law instantly lashed at him. It is 7 o'clock. When am I to buy the things and cook the food? You think I am born to be a slave? It will be a fine lesson if you are made to do without a meal tonight. Now, घर पहुंचता है तो बीवी चिल्लाती है क्योंकि चैप्टर में हमने पहले ही पढ़ा है कि उसकी बीवी जो है वो ट्रबलसम है अकॉर्डिंग टू हिम, राइट. तो वो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि शायद बच चुके हैं और अब मैं कब मार्केट जाऊंगी, कब सब्जियां लेके आऊंगी और कब खाना बनाऊंगी और कैसा रहेगा तुम्हारा दिन अगर आज मैं तुम्हें खाना ही नहीं दूं. रंगा शोड देम द 4 rupees एंड 4 annas. टेक दिस एंड लेट मी हैव सम पीस, आई हैड अ हार्ड डे. ना रंगा 4 rupees 4 annas उसको देता और कहता है कि इसे ले जाओ और मुझे थोड़ी शांति दो. 4 rupees, his wife was shocked. Are you sure you didn't steal it? Now, wife, as we have read in the chapter earlier, कि रंगा एक ऐसा आदमी था जिसके fixed income नहीं थी क्योंकि वो odd jobs करता था, right? उसकी कोई fixed earning activity नहीं थी. So, 4 rupees देख के उसकी बीवी घबराती है और कहती है कि 4 rupees मिले, कहीं चोरी तो नहीं करी तुमने? You want to know how I earned this money? Ranga pleaded angrily and showed his bruises. He narrated how he was had gone down 60 feet to find a brass spot at the great risk of his life. So to his anger and his shock कि उसकी बीवी उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रही है, वो अपनी bruises यानी अपनी चोटें दिखाता है जो उसे कुएं में उतरने के time लगी. और कहते हैं कि मैं पूरी कहानी बताता है कि मैं 60 feet गहरे कुएं में उतरा, ब्रास का पॉट निकाला, किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ जो है वो रिस्क कर. बोथ द वाइफ एंड द मदर इन लॉ मॉक्ड एट हिम एंड टीज्ड हिम. श्योर यू वर नेवर दैट ब्रेव, यू हैव प्रोबेबली पुल्ड इट आउट टू समबडीज पॉकेट. बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, उसकी बीवी जो है उसका विश्वास ही नहीं करती और कहती है कि तुमने जो है तुम ये कहानी बना रहे हो और हमें टीज कर रहे हो और उसे टीज करते हैं, उसे चढ़ाते हैं कि तुमने किसी का पॉकेट तुमने किसी की पॉकेट मारी होगी, अदरवाइज तुम इतने ब्रेव नहीं हो कि तुम इतने पैसे कमा के ला सको. सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, रंगा ने इतनी मेहनत भी करी एंड नो वन अकम्प्लिश्ड हिज ब्रेवनेस, हिज अर्निंग. वो इतनी मेहनत करता है, अपने फियर को ओवरकम करता है और पैसे कमा के लाता है, बट उसकी कोई भी अहमियत नहीं है. आई होप यू लाइक द वीडियो.